चलिए बच्चों, हमने इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। चलिए इसे समराइज कर लेते हैं। एड्स एक इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है जो एचआईवी रेट्रोवायरस से होता है। एड्स अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। एड्स के कॉजेस होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग सिरिंजेस, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज करने से, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसको हम इलाइजा से डायग्नोज कर सकते हैं। एचआईवी नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है और फिर जो बॉडी सेल्स इन्फेक्ट हुए होते हैं वो वायरल प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए हमें नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करके सभी बच्चे अपने नोटबुक्स में इन पॉइंट्स को नोट कर लें। तो बच्चों, हमने इस टॉपिक में काफी कुछ सीख लिया है। इस पर बेस यहाँ पर कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 10 और 13।